झूठे हैं सब दुनिया के नारे, झूठे हैं सब दुनिया के नारे, झूठे हैं सब कसम वाले, झूठे हैं सब कसम वाले, झूठे हैं सब दुनिया के नारे, झूठे हैं सब दुनिया के नारे, और जरा सी जिम्मेदारियां पड़ी तो कहते तू जाना अपने भाई से, क्यों आई थी, मैं तो नहीं गया था तुम्हें, तो प्यार जाने कहां, जिम्मेदारियों के पड़ते ही प्यार जाने कहां खो जाता है, तो इसलिए वो प्यार नहीं है, तो क्या कहा, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, No!
तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ। भगवान श्री श्याम सुंदर एक
पट वृक्ष के नीचे बैठ कर आसन लगाकर बैठ गए। बाल बालों ने कहा जाओ वहाँ कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ से कुछ खाने पीने की सामग्री ले आओ, क्योंकि कोई भी भोजन नहीं लाया था, जो भी भोजन लाए थे रास्ते में ही समाप्त हो गया। भूख प्यास से व्याकुल ग्वाल बाल कन्हैया की आज्ञा मान करके दो चार ग्वाल बाल गए। यज्ञ चल रही थी वहाँ, ब्राह्मण ने स्वाहा स्वाहा मंत्र के साथ आहुतियाँ भी कर रहे थे। सभी याजक सभी ब्राह्मणों ने नजर उठाकर नहीं देखा, और जब ब्राह्मणों से याचना की भोजन की तो दूर दूर कहकर के भगा दिया, उस यज्ञशाला से एक मंडप से बाहर कर दिया। ये ग्वारी ग्वाले कहाँ से आ गए, जब तक यज्ञ चलेगा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। भूख प्यास से व्याकुल ग्वाल बाल लौट कर आए, कन्हैया अरे वहां तो बड़े खुले बड़े बड़े यज्ञाचार्य नारायण भगवान की यज्ञ कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, कुछ नहीं किया कहा भी जाओ यहाँ से। कन्हैया ने कहा कैसी विचित्र बात है, मुझे ही बुला रहे हैं, मुझे ही भव्य प्रदान कर रहे हैं, मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए, अब जब मैं आ गया उनके इलाके में तो भोजन तक नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, श्री रामा मधुमंगल सुबल तुम माताओं के पास जाओ, क्योंकि जो पुरुष होता है जो जो ब्राह्मण देव होते भूदेव होते पुरुष होते कदाचित उनके मन में इतनी करुणा नहीं होगी, लेकिन माताओं को गुरु माताओं को ब्राह्मण पत्नियों को जब पता चलेगा कि कृष्ण और बलराम आए हैं बाल बाल आए हैं गाय चराते चराते तो वह जरूर कुछ न कुछ देंगी। जाओ ना, अब बाल बाल कहने लगे इतनी शक्ति नहीं है, भूखे हैं हम लोग, अभी आए हैं अभी माताओं ने भी मना कर दिया तो क्या होगा, ऐसे ही सो जाएंगे जंगल में कुछ नहीं खाएंगे। कन्हैया ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि माताएं हमें जान करके और कुछ भोजन ना दे, एक बार जाओ तो सही। बाल बालों को माताओं के पास भेजा, यज्ञ पत्नियों के पास। माताओं का दिन बड़ा होता है, चाहे कुछ भी हो अपने दो बच्चों के लिए बनाएंगे तो दो रोटी एक्स्ट्रा जरूर बनाएंगे घर में, क्या पता कौन अतिथि आ जाए कौन भूखा आ जाए या बच्चे को भी दोबारा भूख लग जाए, तो कभी नाप कर नहीं बनाते। पहले की माताएं सुन लो, आज की पुत्रवध हो, आज की पुत्रवध में पूछती है मम्मी आपकी कितनी रोटी, मैंने सुना है कई घरों में, पापा जी आपकी कितनी रोटी, पापा जी कहते मैं तो शादी में जाऊंगा बेटा देख लेना, तो अपने सपने ही नहीं बता दो पापा कितनी रोटी, वेस्ट नहीं होनी चल भैया आपकी कितनी रोटी। अच्छा ननद से पूछेंगे दीदी आप खाओगी कि ऐसी सोओगी, पिज्जा ऑर्डर करोगी तो कितनी रोटी बना ले, अब बताइए। हमारी माँ कहती है कि कभी भी रोटी गिनती करके नहीं बनाना चाहिए, अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाती है, एक रोटी एक्स्ट्रा बनाना कभी कम नहीं पड़े, इसके लिए सबसे पहले आप अन्नपूर्णा माँ को आवाहन करो, हे अन्नपूर्णा माँ मेरी रसोई में आओ ना, मैं भोजन बनाने जा रही हूँ, मेरे यहाँ कोई इस रसोई से भूखा ना जाए, कोई भी कमी ना पड़े। देखते हो ना जो भूख लगता है तो कितना स्वाद होता है उस भोजन में, सब्जी बनती रहती बनौती में बनती रहती, पर वो जो भंडारे वाली सब्जी घर में आज तक बन नहीं पाई क्योंकि वो भगवान को अर्पित कर दी जाती है, तो भगवान को भगवान का भोग भगवान का प्रसाद घर में बनाओ, और भगवान का प्रसाद बनाओगे तो चप्पल जूते पहन कर नहीं बनाओगे, स्नान करके रसोई में जाओगे तो अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न होगी। रसोई में कोई ऐसी चीज ना बनाओ जो तुम भगवान को भोग नहीं लगा सको, भगवान की बनाई सब चीजें औषधियाँ आसान सब्जियाँ। अब बहुत सारे लोग पूछते गृहस्थ कि हम लहसुन प्याज खा सकते कि नहीं, हमने कहा जो गृहस्थ है उनके लिए कोई बाध्यता नहीं वर्जित नहीं है, क्योंकि आप नहीं खाओगे तो बाद में गोलियों में खाना पड़े, इसलिए कोई किसी चीज की अति नहीं करना चाहिए, अति सर्वत्र बन जाए। दूसरा मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कारण आप आज स्मरण आ गया तो बता ही देती हूँ कि मांसाहार जब आप कहीं जाते हैं आप किसी के परिवार में कोई ना कोई मृत्यु तो कभी हुई होगी दूर दूर तक रिश्तेदार में, तो जब किसी मृत्यु में किसी किसी के सूतक में जो किसी के घर में मृत्यु हुई हो या फिर आप देख कर आए हो किसी मृत व्यक्ति को सब को तो क्या करते हो बताओ, स्नान करते हो, हाथ पैर धुलते हो, धुलते हो कि नहीं, सभी धुलते हैं चाहे वो किसी जाति का हो, घर में अगर मुर्दा पड़ा है तो भोजन नहीं करते,
घर में डेड बॉडी पड़ी है तो कोई खाता नहीं है, सूतक लग जाता है 12 दिन तक, 12 दिन तक शुद्धि नहीं होती, अपने घर का परिजन गया होते और आप बाहर से ला करके मुर्दा या जिंदा कोई जीव ला करके रसोई में काटते हो, वही रक्त बहता है और वही पड़ा हुआ है डेड बॉडी, तो सोचो कितनी बार नहाना पड़े, कहाँ से शुद्धि करवाओगे? वो 12 दिन की सूतक वाली शुद्धि तो हो जाएगी, पर घर में जिनके मांसाहार बनता है वो शुद्धि कहाँ से होगी? क्या उनके घर में कभी भगवान आएंगे? बताओ किसी जीव को कितनी पीड़ा होती है। चलो ये भी बात छोड़ दो, आपसे अगर कोई कहे अपने बच्चे की एक उंगली काट के दे दो, अभी चाहिए दे दोगी? बताओ बुरा लग रहा है ना, बहुत तकलीफ हो रही है, पर मुर्गी के सामने उसके बच्चे को पकड़ कर ले आते हो, देना 1 केजी 2 केजी, मछलियों को ले आते हो, मछलियां कितनी तड़पती होंगी उनका बच्चा उनके सामने जा रहा है, वो बकरी कितनी तड़पती होगी उसका बच्चा काटने के लिए ले जा रहे हो। सुनो, तुम अपने कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कितना भी क्रूर हो, अपने बच्चे की एक उंगली नहीं दे सकता, तो उसके माँ बाप उसके माता पिता उस जीव के कितने तड़पते होंगे जिसको तुम पकाते हो बढ़िया फ्राई करते हो। हाँ, ये व्यासपीठ का विषय नहीं है, लेकिन व्यासपीठ से नहीं बोला गया तो कौन बोलेगा? यदि साध्वी समाहिता नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा इस विषय से? इसलिए जिस शादी में जिस विवाह में मांसाहार रखा गया हो वर्जित कर दो, नहीं जाता हमें, नहीं जाना भैया, मांसाहार तो नहीं है, हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा लिफाफा वही भेज देंगे तुम्हारी बेटी का, अगर मांसाहार है तो हम नहीं भोजन करेंगे, अगर हिंदू हो तो ये बात कहना, अगर सनातनी हो, चलो वो भी छोड़ दो, अगर इंसान हो, जो लोग कहते हैं ना बड़े बड़े उपदेश देते पहले इंसान को बनो, सब में भगवान है, इंसान को बनो, नहीं कोई गलती करेगा तो माता पिता भी डांटते हैं, लेकिन मार तो नहीं डालते, पर उस जीव ने क्या गलती की? इसलिए बच्चे अब बच्चे को खाना छोड़ दे, अगर गोविंद की भक्ति करनी है, राम की भक्ति करनी, तुम चाहते हो कि राम तुम्हारे घर में आए, तो तुम ये मांसाहार छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते हैं न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन के लिए लेते हैं, भैया प्रोटीन के लिए आपको स्प्राउट्स खाइए, पनीर खाइए, दूध से बनी चीजें अपने घर में बनाइए, दालें खाइए, तमाम प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं उनको खाइए, तमाम फल है उनको खाइए, आपको पर्याप्त प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन के बहाने से, मजबूत होने के बहाने से किसी का जीव हत्या मत कीजिए। अच्छा, अगर प्रोटीन की कमी पूर्ति होती है और बलशाली बनते हैं मांसाहार से, तो आज मुझे बताइएगा हनुमान मंदिर तिगड़ी वालों कि हनुमान जी से ज्यादा बलशाली इस दुनिया में है कोई? और हनुमान जी क्या खाते थे? हनुमान जी फल खाते थे। हनुमान जी से पवन तने बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होता तुम पाते, हनुमान जी से ज्यादा बलशाली कोई नहीं। हनुमान जी क्या खाते? फल खाते। तो फल आत्म बल से आता है, आत्मिक बल से, साधना से आता है। कल पूछ रही थी हमारी आकांक्षा, हमारे सिंगल परिवार की पुत्र वधु, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़ी लिखी, कह रही थी दीदी आप 4 घंटे में पानी भी नहीं पीते, कैसे बोलते हो, आपको प्यास नहीं लगती? मैंने कहा तुम लोग बैठे रहते हो ना, तुमको देख देख कर सारी प्यास बुझ जाती है, ठाकुर जी की ऐसी कृपा की, प्यास क्या मुझे पता ही नहीं होता, मैं हूँ कौन हूँ, जब तक पता होता है तब तक मैं कनेक्ट नहीं हो पाती भगवान से, जब पता होता है, जब कोई कुछ कहीं इधर उधर से डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन कथा जब प्रारंभ हो गई उसके बाद चाहे मौत के सामने आ जाए तो मुझे दिखाई नहीं देगी, कोई राक्षस भी आ जाए तो भी देवता बन जाएगी, तो इतना अद्भुत ये श्रीमद् भागवत कथा करते समय कुछ स्मरण रहे और तो जो आपका काम है वो मैं नहीं कर सकती, जो इनका काम है वो आप नहीं कर सकते, सबके अलग अलग काम है और सब उसमें परफेक्ट, सब परफेक्ट है, ठीक है, बोले तो मैं भगवान की जय। तो आइए ठाकुर जी की पावनी लीला, आज से संकल्प लो माता हो, हाथ खड़ा करो मेरे साथ ईमानदारी से, मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, कथा सुनाने के बदले कुछ मत दो, कोई रचना कुछ नहीं, दोनों हाथ खड़े करो और संकल्प लो कि आज से अपनी रसोई में
बोलो ईमानदारी से बोलना, निभाना पड़ेगा, भगवान मुकुट लेकर आ जाएंगे। हनुमान जी आज से अपनी रसोई में मांस नहीं बनाएंगे, हम सभी आज से कभी मांसाहार नहीं करेंगे, कभी कोई ऑफर करे तो भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये संकल्प मैंने पूरा कर लिया तो गायत्री के साथ कहती हूँ कृष्ण नाम के घर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, माखन खाने आएगा, आपकी रोटी रोटी खाने आएगा। प्यार लाल कोई तो बुलाता नहीं, आज के 10-12 साल पहले मैं ये भजन बहुत गाती थी, प्यार लाल कोई तो बुलाता नहीं, फिर के लिए मुरली वाला नहीं। बुलाना है ना रास रास्ते सबको बुलाना है ना। गोपियों ने एक माह तक व्रत रखा, भगवान ने कहा कि तुम किसके लिए व्रत रखती हो, बोले आपके लिए, आपको पति के रूप में पाना चाहती। अच्छा, कात्यायनी माँ की पूजा करती है और सर्दी के कड़कती सर्दी में यमुना में जाकर 4 बजे स्नान करती निर्वस्त्रा होकर। किसी ने बता दिया कि आपकी भी गोपियाँ निरंतर स्नान करती हैं। कन्हैया को पता चल गई, गए तो देखा सब गोपियों ने वस्त्र खोल कर तटों पे रख दिए, लहंगा चोली चुनरी सब, और यमुना में खिलौन कर रही थी, स्नान कर रही थी। 3:30 से 4 बजे का समय, कन्हैया ने सबके वस्त्र समेत और कदम पे ले जाकर छिपा दी। उस समय भगवान की अवस्था 6.5 साल की अवस्था थी, कि गोवर्धन लीला से पहले की लीला है। भगवान जाकर के बैठ गए छुप करके, केवल चरण और चरणों के नूपुर बाजे हल्की सी दिखाई दे रही है, वो भी झुरमुटों में छिपे हुए बैठे। गोपियाँ बात कर रही आपस में, हरे कहीं, अरे सखी मुझे तो ऐसा लगता है वो सिर्फ मेरी ओर देखता रहता है। दूसरी कहती है नारे ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि पंखियों से मेरी ओर देखता है। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मेरा ही नाम मुरली में पुकारता है। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ मुझे पुकारता है। अच्छा सुनना, कल मेरे घर आया था, फिर क्या हुआ, मेरे पति का जन्मदिन था, मैं पंजीरी बना रही थी, वो भी बता रही है, मैं पंजीरी बना रही थी, पंजीरी जानती हूँ हम लोग, गेहूँ के आटे को भून कर तमाम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके और उसको बढ़िया अच्छे से बनाते हैं। वो भगवान को नारायण को बहुत बुरी है, सत्यनारायण भगवान को। कभी कभी आप लोग मंजीरी भी प्रसाद में बनाया करो, और मंजीरी बना रही थी गुड़ सोच सब मेवे मिष्ठान डालकर, अब भूनने की खुशबू आई तो कन्हैया पहुँचे, अरे ओ गोपी क्या बना दी, ये भून भून करके पका करके और रखती जा रही है एक पात्र में। कन्हैया ने कही गोपी क्या बना रही है, मंजीरी बना रही हूँ, मेरे पति का जन्मदिन है, सत्यनारायण की कथा सुनूंगी। अच्छा तो थोड़ी पंजीरी मुझे दे दे, केले का पत्ता तोड़ कर लाए और सब में फैला दिया, थोड़ी मुझे दे दे। बोले नहीं नहीं नहीं, दूर हटो, जब सत्यनारायण की पूजा होगी, भोग लगेगा, प्रसाद लगेगा, तब खाना, अभी नहीं मिलेगी। कन्हैया ने कहा गोपी मैं ही तो सत्यनारायण, तो कौन से सत्यनारायण की पूजा करने वाली है, अरे मैं ही तो सत्यनारायण। अरे बड़ा आया सत्यनारायण बनने वाला, तू चोर है, चोर चाहे यहाँ से माखन चोर है, तू चिन चोर है, सत्यनारायण नहीं, अभी बताता हूँ, नहीं देगी, कोई बात नहीं गोपी चल तू भी अपना काम कर, मौज कर। और वहाँ से चले गए और गए जहाँ इसने लिपाई की थी, केले के खंभे लगाए थे, सिंहासन पर सत्यनारायण बिठाने के लिए रखा था, पंडित जी आएंगे अभी कथा सुनाएंगे, और इंतजार कर रही थी, इधर पंजीरी बना रही थी। कन्हैया गए गली से, छोटी छोटी 2 बिल्ले पकड़ कर ले आए, कुत्ते के बच्चे, उनको तिलक नहलाया धुलाया, तिलक लगाया, गले में सुंदर माला पहनाई, मोती की चुनरी उठाई और ओढ़ा करके दोनों को उस सिंहासन पर, केले के खंभों वाले मंडप में सिंहासन पर बिठा दिया, चुनरी उड़ा दी, खाने को बिस्किट दे दिए और चीं चीं करके बैठे। इधर कन्हैया ने 2-4 ग्वालों को तैयार किया, एक के बाद एक जाना कहना गोपी से, सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए। कन्हैया पहले तू जाना, हमें तो डर लग रहा है। कन्हैया दौड़ करके, अरे वो गोपी तू प्रसाद ही भूनती रहेगी, दर्शन करेगी तेरे भवन में, प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए, तुझे और तेरे पति को आशीर्वाद देने के लिए, चलना गोपी तेरे भवन में, देखना मंडप में कितनी बढ़िया सत्यनारायण भगवान के दर्शन हो रहे। अरे राजा तू झूठ बोल रहा होगा, तब तक अच्छा ठीक है तू मत कर, मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। चले गए, दूसरा वाला है, अरे गोपी तेरे मंडप में सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए। अच्छा कन्हैया भी कह रहा था चलना, अरे
तू भी करेगा तब मैं कहूँगा। दूसरा तीसरा एक वाला आ गया बड़ा, सबको खिलाऊंगा मम्मी, सब मेरा साथ देना। दौड़ कर गया, अरे गोपी तेरे भवन में बड़े सुंदर सब सनारे कट हुए हैं, चलना। अब एक दो तीन चार लोगों ने कही गोपी मान ली। गोपी ने पंडित का टोकरा वही छोड़ा, सिर्फ पल्लू लिया और सत्यनारायण के दर्शन करने पहुंच गई। जैसे पहुंची सत्यनारायण के दर्शन करने, चीं चीं करके चुनरी हटाई, लोग मिलने प्रकट हो गए वहां। इधर दर्शन कर रही है, इधर कन्हैया टोकरा लेकर भाग गया। पंडित का टोकरा लेकर जंगल में और सारे बाल बालों को बुलाकर आहा हा खूब दूध मिलाकर दही मिला मिला कर खूब प्रसाद खाया। श्याम सुंदर ये गोपियां आपस में बात कर रही, एक बोलती मैं जा रही थी, पीछे से मेरा घूंघट खींच लिया, मेरे ससुर जी सामने खड़े थे, अब मैं क्या करती, लाज के मारे मैंने इधर मुंह किया तो देखा कोई भी नहीं है, सामने तो मेरा देवर खड़ा। मैं तो कन्हैया को पकड़ कर ले जाने वाली थी। एक दिन मैंने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा, मैं लेकर जा रही थी, बूढ़े बड़े बैठे थे तो पूरा मैंने घूंघट डाल लिया था और घूंघट डाल के जा रही थी, दिखाई दे नहीं रहा था चुनरी में से, हाथ पकड़ कर ले जा रही थी। कन्हैया को शिकायत करनी है यशोदा मैया के पास, अरे वो यशोदा रानी देख तेरे लाला ले जाके। रास्ते में कहने लगे कि मेरी कलैया दुख रही है, गोपी कितनी चतुर है, इनकी इनके इनके पेट में दाढ़ी है, इतनी चतुर, गोपी मेरी कलाई दुख रही छोड़ देना। मैंने कहा तू दूसरा हाथ पकड़ा तो छोड़ूंगा छोड़ूंगी। उसने दूसरा हाथ लिया, मैं ऐसे पकड़ लिया, लेकर चली यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया को कहा, अरी वो नंदरानी तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ। नंदरानी हंसने लगी, हंस क्यों रही हो, देखो तुम्हारे लाला ने क्या करतूत की है। तो जैसे ही नंदरानी ने कहा कि अरे मेरा लाला तो काली कमली ओढ़कर सो रहा है, गोपी तो बावली हो गई, घूंघट उघाड़ कर देख तो जरा किसे लेकर आई है। तो जैसे ही मैंने घूंघट उघाड़ कर देखा तो अपने ही देवर का हाथ पकड़ कर खड़ी थी। कन्हैया ने जाने तो अपने ही देवर का हाथ पकड़ा दिया और ऊपर से अटारी से कहते, ए गोपी मुझे पकड़ने की कोशिश की तो आज तेरे हाथ में तेरे देवर का हाथ दे दिया, अगली बार अगर तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो तेरे ही पसंद का हाथ तुझे पकड़ा दूंगा, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। ऐसे मेरे श्याम सुंदर इनकी अनंत लीलाएं। श्याम सुंदर सारी बातें सुन रहे, मीठी मीठी गोपियों की अटखेलियां, पर कुछ भी कहे भाता तो वही दिल को है, मेरे मन में तो वही उसी का राज है। मैं कात्यायनी माँ से कहती हूँ, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुलते नमा, वही मेरे पति बने, वही मेरे पति बने, सब गोपियाँ यही जाप करती है। श्याम सुंदर को हंसी आ गई, गोपियाँ निकली सब निकलने लगी बाहर की वस्त्र पहनेंगी, जब कंठ तक से अपने शरीर को ढकने लगी, कन्हैया की खिलखिलाहट भरी हंसी। देखो ना ये चरण दिख रहे हैं, ये जरूर नंदलाल की हरकत है, ये जरूर यशोदा के लाला ने किया है, चरण दिख रहे हैं। श्याम सुंदर ने बंसी बजा ली, गोपियां सुंदर झूल गए। गोपियों ने कहा है, अरे वो चितचोर पहले तुम्हारा चित चुराया, फिर तुम्हारा माखन खाया, मुर्गियां फोड़ डाली, सास ससुर से डांट खिलाई और अभी हमारे कपड़े भी चुराने लगे, हमारे वस्त्र भी चुराने लगे, हमारे वस्त्र हमें लौटा दो कन्हैया, हमारे वस्त्र लौटा दो, अगर नहीं लौटाए तो क्या करोगे, अगर नहीं लौटाया तो तुम्हारे नंद बाबा से जाकर शिकायत करूंगी, क्योंकि मैया तो उनके तो तुम लाड रहे हो, मैया तो सुनती नहीं है। तो जब गोपियां इस प्रकार कहने लगी, कन्हैया ने कहा, यदि गोपियों जाओ जाकर पहले शिकायत करके आओ, फिर वस्त्र ले लेना। अब गोपियां लज्जा के मारे कहने लगी, बहुत सर्दी है कन्हैया, अभी तक सर्दी नहीं लग रही थी, जाओ जाओ शिकायत करके हम कैसे जाएंगी। बोले जैसे आई थी, जब हम आई थी तो यहाँ कोई पुरुष नहीं था, अभी तुम हो और वैसे भी हम कैसे जाएंगे बिना वस्त्रों के। कन्हैया ने कहा, अच्छा तो मैं पुरुष हूँ, 6 साल का बालक जो होता है उसके सामने तो माँ भी स्नान कर लेती है, अबोध होता है, तो मुझमें तुझमें क्या बोध है। अच्छा गोपी तू सुबह सुबह इसमें नहाने क्यों आई है, और उस समय किशोरी राधा के भी आई थी, सारी गोपियाँ कुछ क्यों आई है अपना में नहा, हम सब क्या बताएं, हम सब आपको अपने पति के रूप में जानती हैं, सबकी सब बोले हाँ, तो पति से कैसा पर्दा, आ जाओ ना बाहर ले लो अपने अपने कपड़े, पति से भला कोई पर्दा करता है, जब पति मान ही लिया तो मैं और तुम तो एक ही हुए। तो कन्हैया जानना चाहते हैं कि गोपी के मन में शरीर भाव तो नहीं, गोपी के मन में कहीं शरीर का भेद तो नहीं, क्योंकि जीव और परमात्मा का मिलन कृष्ण प्रेम, परमात्मा रूपी पति को चाह
चाहती हो या इस कृष्ण शरीर रूपी पति को चाहती हो? ये जानना चाहते थे, अपने भक्त को ठोक बजाकर देखना चाहते थे, पक्का वाला है ये कच्चा, ये खड़ा पक्का है ये कच्चा। तो कन्हैया ने कहा कि तुम अगर पति मान ही चुकी हो तो बाहर आ जाओ, अपने वस्त्र ले लो। सब गोपियां संकोच करने लगी, प्रभु हमें क्षमा कर दो, क्या तुम मुझे स्वरूप से जानना चाहती हो? क्या तुम मुझे तत्व से जानती हो? मैं कौन हूँ? हम तो अज्ञानी हैं, अबोध है, इतना कहाँ जानते हैं? तो जानना चाहती हूँ। हाँ प्रभु, जब से आपको देखा है आपके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, आप ही प्रियतम, आप ही सखा, आप ही यार, आप ही मित्र, आप ही पति, सब कुछ आप में देखा है, आप ही मेरे भगवान है, आप ही मेरा सर्वस्व है, हम सब आपके प्रति समर्पित है, आप जैसे चाहो वैसे रखो। जब ये समर्पण भाव देखा तो भगवान ने वचन दिया, कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं महारास में तुम्हें बुलाऊंगा और तुम सब गोपियों के भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार का हरण कर लूंगा। जीव और परमात्मा का मिलन कैसा होता है वो तुम्हें प्राप्त होगा, वो सुख जीव और परमात्मा के मिलन का सुख प्राप्त होगा। गोपी और कृष्ण दो नहीं है, वो भी जो इंद्रियों को अपने वश में कर ले, वो मतलब इंद्रियां, भी मतलब वश में कर ले, वही गोपी है। जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले वो गोपी, और जिसकी समस्त इंद्रियां कृष्ण रसायन का पान करने लगे वो गोपी। आंखों से कृष्ण को देखना है, तुम गोपी बनना चाहती हो? गोपी बनना चाहती हो तो गोपी तो तुम बन गई हो, क्योंकि आंखें कृष्ण को देख रही है, कान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, होंठ कृष्ण के भजन गा रहे हैं, पैर कृष्ण के भाव में नृत्य कर रहे हैं, हाथ कृष्ण के लिए ताली बजा रहे हैं, रोम रोम कृष्ण कृष्ण कर रहा है, तो वही गोपी। जिसकी समस्त इंद्रियां कृष्ण रस का पान करने लगे उसी को गोपी कहते हैं। जो रास्ता दिखा दे भटके हुओं को उसको राधा कहते हैं, और जो सबके मनों का, सबके हृदयों का, सब जीवात्मा का परमात्मा है, जिसके मिलने के बाद किसी को मिलने की चाहत नहीं रहती, जो सब नदियों का सागर है, वही श्री कृष्ण है। उन्हें श्री कृष्ण चंद्र भगवान की भगवान ने श्री राधा माधव कहते कदली बन के प्रथम बार मिले थे, छोटी छोटी अवस्था के थे। राधा कहती है वो नंद के छोरे को मैं नहीं देखूंगी, और कन्हैया कहते हैं वो ब्रजभान की नंदनी को मैं नहीं देखूंगा। सुनता है कि ब्रजभानों की लाली को जो एक बार देख लेता है वो कहीं और देखने की इच्छा नहीं होती, तो मैं उसकी ओर देखूंगा नहीं। कन्हैया के लिए ब्रजभानों की लाली कहती है कि वो नंद का लाला, वो यशोदा नंदन, वो रज का चित चोर कहीं मेरे चित को ना चुरा ले, इसलिए मैं उसे नहीं देखूंगी। और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के नेत्रों में खो जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था को धारण करते हैं, 16 वर्ष के श्री कृष्ण और 16 वर्ष की किशोरी राधा रानी, दोनों का प्रेम प्रारंभ होता है, और प्रेम ऐसा कि बस गोपी और कृष्ण, राधा और कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं। राधा की जितनी सखियां हैं वो राधा को श्री कृष्ण से मिलते हुए देखने में प्रसन्न होती, ये युगल को देख करके, दोनों को एक साथ देख कर उन्हें आनंद होता है, क्योंकि बांसुरी को सौतन मानती है पर आपस में एक दूसरे को सौतन नहीं मानती, सब कृष्ण की तरफ, जैसे सारी नदियां समुद्र की तरफ बहती है, सब यहाँ जितनी बैठी हो तुम सब कृष्ण से प्रेम करती हो। क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसा भाव आता है कि ये भी करती कहीं या ज्यादा करती हो? बताओ ना, आता है क्या? तो हम सभी तो केवल भक्त है, हम सभी तो केवल उन ब्रजांगनाओं की, गोपियों की चरण रज का एक कण भी नहीं है। जब हमारी ऐसी भाव दशा हो सकती है कि हम आपस में किसी से द्वेष ना करें, जो भी कृष्ण से प्रेम करता हो अपना लगने लगे, वो सौतन ना लगे, वो अपना ही लगने लगे, तो गोपियां भी तो ऐसी थी, हर गोपी एक दूसरे से प्रेम करती, एक गोपी दूसरी गोपी का चरण दबाने लगती, तू थक गई होगी। एक गोपी, एक दिन राधा ने कहा, जाओ जाकर देखो कन्हैया ने कैसा स्वरूप धारण किया है, कैसे वस्त्र, कैसे पोशाक पहने, सुनिएगा। तो वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई, वो गोपी कोई और नहीं ललिता थी, ललिता और विशाखा दौड़ी दौड़ी गई। कन्हैया ने मोर मुकुट बांधा, कानों में कुंडल, माथे पर तिलक, सुंदर मुस्कान, होंठों पे लाली, आंखों में काजल, गले में मोतियों की माला, हाथ में बंसी, कमर में फेंटा, जरीदार सुंदर पगड़ी, भगवान की सुंदर लहराती हुई धूपी पीतांबरी, और सुंदर अचकन बगल बंदी,
और उसके ऊपर कसी हुई पाट पटका, कंधे में सुंदर दिव्य पीतांबर। जब ये देखा, ऐसे स्वरूप को देखा, पैरों में चरणों में पाजेर देखी, तो गोपी ने जी भर के देखा कन्हैया के स्वरूप को। जो भी स्वरूप था, जो भी उनके रत्न जड़ाऊ गहने थे, उन पूरे स्वरूप को देखा भगवान के श्रृंगार को, और आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद किए कि किशोरी जी के पास पहुंची। किशोरी जी ने कहा, बताओ गोपी, कन्हैया कैसे लग रहे हैं, बताओ गोपी। तो गोपी कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो कहने लगी, जो आंखों ने देखा वो बोल नहीं सकती, और जिस वाणी जो वाणी बोल सकती उसने देखा नहीं। किशोरी जी, आपको अगर दर्शन करने हैं तो मेरी आंखों में दर्शन कर लो। जैसे नेत्र खोले, श्याम सुंदर प्रकट हो गए। उस गोपी की आंखों में श्याम सुंदर प्रकट हो गए। शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाली है। प्रातः भगवान श्री कृष्ण ने कदम पर चढ़कर बंसी बजाई। बंसी बजाई तो तीनों लोगों में बंसी का नाद सुनाई दिया, और उस बांसुरी की धुन को सुनकर सब गोपियां प्रेम से व्याकुल हो गए। उस भगवान की पावनी लीला को, भगवान के दर्शन को करने के लिए प्रेमाकुल होकर के समस्त गोपा कहलाए, बोली गोविंद भगवान की, रास रास सुन भगवान। जब बंसी बजाई, ललिता विशाखा तुंग विद्या सुदेवी सभी का नाम लेने का पुकारा। हर गोपी को लग रहा था कि प्रभु मेरा नाम पुकार रहे, मेरा नाम पुकार रहे। वो बंसी की धुन कैलाश पर्वत पर भी सुनाई दी, और माँ पार्वती भी व्याकुल हो गई, और अपने समस्त 16 श्रृंगार करके रास में सम्मिलित होने के लिए चल पड़ी। तो भोलेनाथ का मन में ललचाने लगा कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी महाराज में जाऊंगा। भोले बाबा भी श्रृंगार करने लगे। माँ ने, पार्वती जी ने मना किया, पर माँ ने नहीं, कहने लगे मैं भी जाऊंगा, वहाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं रहता। तो कोई बात नहीं, मैं गोपी भाव में जाऊंगा, गोपी बनकर जाऊंगा, फिर मैं तो आइए महाराज की लीला की ओर चलते हैं। यमुना के पुलिन पर, यमुना के तट पर, यमुना की रेत सफेद चांदनी में चमक रही है, रेत बिछी हुई है। चंद्रमा मुखमंडल, भगवान के मुखमंडल से बिखरी हुई, आज चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ खिला हुआ है। कोमल के, जूही के, चंपा के फूलों की सैया बिछी हुई है। जगह जगह महमहर मंजरी लहक रही है, चारों तरफ मानो बसंत ऋतु आ गई हो। जितने प्रकार के पुष्प होते हैं वो सब यमुना के किनारे पी गए। कन्हैया ने बंसी बजाई, तो जब बंसी बजाई तो क्या हुआ, ऐसी बंसी, ऐसी बंसी बजाई सामने, मेरी सुख बिसराई सामने, ऐसी बंसी बजाई सामने, मेरी सुख बिसराई सामने, ऐसी बंसी बजाई सामने, मेरी सुख बिसराई सामने, ऐसी बंसी बजाई सामने।
Yeah.
तेरी बंसी पे तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया
अब रास का जो असली महत्व है वो आप लोगों में बताऊंगी कि रास है क्या। नृत्य करते करते घुंघरू टूट गए, किसी गोपी की पाजे छूटी, किसी की अंगूठी गिरी, किसी का पायल टूटा, तो किसी की चुनरी छूटी, तो किसी की चोटी खुल गई, तो किसी की आंखों का काजल बह गया, किसी का सर्वस्व छूट जाए, प्राण भी छोड़ने को तैयार थी पर भगवान श्री कृष्ण ना छूटे, ये महारास है। जीव और परमात्मा का मिलन आज खास है, यही महारास है, यही महारास है। कुछ शेष नहीं बचा, सब कुछ श्री कृष्ण को सौंप दिया, तन मन धन जीवन अपना होश ही जब हो जाता है, श्री कृष्ण ही शेष बचते हैं। हेरत हेरत मैं सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, भूल समानी समुद्र में जो सोकत हेरी जाए। जब तक नृत्य करते करते होश रहे कि तुम नाच रहे हो, कोई देख रहा है, वो नाच नहीं। जब नृत्य करते करते नृत्यकार खो जाए, सिर्फ नृत्य शेष रह जाए, उसको रास कहते। गाते गाते गायककार खो जाए, सिर्फ गायन ही शेष रह जाए। रोते रोते रोने वाला खो जाए, सिर्फ आंसू शेष रह जाए। हंसते हंसते हंसने वाला खो जाए, सिर्फ हंसी शेष रह जाए। और प्रेम करते 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 प्रेमी खो जाए, सिर्फ प्रियतम शेष रह जाए, उसे महारास कहते। सिर्फ प्रियतम शेष रह जाए, मैं और तुम दो नहीं, सिर्फ एक ही शेष बचे, उसे महारास कहते हैं। सब गोपियां श्री कृष्ण मई हो गई, श्री कृष्ण ही गोपी बन गए और गोपी ही श्री कृष्ण हो गई। स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो गया, लेस मात्र भी कामना नहीं थी। जहां कामना निराश हो जाए, उसे महारास कहते हैं। जब तक देह याद रहे कि मैं स्त्री या पुरुष, तब तक प्रेम प्रेम कली अति शांत ली, जामे द्वैत समाए, एक ही बचे या प्रेमी बचेगा या प्रियतम बचेगा। प्रेम का अर्थ है समर्पण, सर्वस्व त्याग देना, ना कुछ हो जाना, सब दे दिया। एक स्त्री अपना परिवार, एक कन्या अपना परिवार, घर अपनी डायरी अपनी एजुकेशन अपनी सखी अपनी सहेली अपना सब कुछ छोड़कर एक पुरुष के पास आती और उसे अपना लेती और कहती, तुम ही मेरे पति, तुम सर्वस्व, सब सुनते ने उछाव। समर्पण की पराकाष्ठा ही प्रेम है, और प्रेम शुरू नहीं होता, समर्पण का साथी नहीं होता, और कहते हैं हम प्रेमी प्रेमिका, हम प्रेम करते। तथाकथित प्रेम करने वाले सिर्फ स्वार्थ से प्रेम करते, या साथ चाहिए, या संग चाहिए, या सुंदरता चाहिए, या धन चाहिए, कुछ है तुम्हारे पास तभी प्रेम करते, कुछ ना हो फिर भी प्रेम बचे। या तो रूप से प्रेम करते हैं, या धन से, या वैभव से, या पद से, या प्रतिष्ठा से, मान से, या इज्जत से। तुमसे प्रेम किसी ने किया, तुमसे प्रेम करने वाला तो एक ही प्रियतम है, वो परमात्मा है। तो ये गोपी और कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम गली अति सांकरी, जामे द्वय न समाए, कहते हैं जो तुम्हें प्रेम खिलन को चाव, जो तुम्हें प्रेम खिलन को चाव, तो सिर धर कली गली बोले आओ। जरा सी बात पे रूठ गए, नाराज हो गए, तो वो कैसा प्रेम, छोड़ने को तैयार हो गए, वो कैसा प्रेम, मेरे छोड़ने से मेरे प्रियतम को कष्ट होगा, तो प्राण छोड़ दूं पर प्रियतम का छोड़ दूं, तो मेरे जाने से उसे कष्ट होगा। प्रेम तो वो है जो सब कुछ लुटा कर भी प्रियतम को बचाने की कोशिश रहे। कहता है एक प्रेमी कि तुम न मिलो क्या जोर हमारा, प्रेम का अर्थ ये भी नहीं कि मिल जाना, पा लेना, विरह में भी प्रेम है, गोपियों को मिले हैं पर मिल गए। तुम न मिलो क्या जोर हमारा, अपनी याद न हमसे छीनो, पीड़ा के कुछ फल दलिया, बोली गोविंद भगवान की जय। ऐसा महारास है, विधवा भगवान ने महारास के समय सब गोपियों के भीतर अपनी छवि दिखाई, मानो विरह से प्रेम की पराकाष्ठा, तो तुम मेरे बिना रह पाओगी कि नहीं, देखते ही देखते महाराज से अंतर ध्यान हो गया। गोपियां भी रहने रो रो कर गीत गाती हुई, वो भी गीत बन जाता है। समय कम है और मौका यही है और कथा सुननी है कम समय में, नहीं तो गोपी गीत की कथा, सिर्फ गोपी गीत की कथा
एक महीने तक कह सकती हूँ, एक माह तक, एक एक आधे आधे श्लोक साथ एक दिन में इतना अद्भुत है गोपी की गीत। आप लोग गाया करो गोपी गीत, कभी पाठ किया करो गोपी गीत, हिंदी में, संस्कृत में, जिसमें भी गोपी गीत पढ़ने से भगवान प्रसन्न होते, क्योंकि गोपियों ने भगवान की लीला को खुद गीत बनाकर गाया, रो रो कर गाया, एक स्वर में गाया। जल्दी हितम अंतर्ध्यान हो
का हाथ पकड़कर, वह गोपी कोई और नहीं राधा ही थी। श्री राधा को भी मान आ गया कि गोपियों से ज्यादा तो वे प्रेम करते हैं, तुलना कर ली तो वहां से भी राधा को भी छोड़कर प्राण हो गए। तब किशोरी श्री राधा रानी विचरण करती रुदन करती करती गोपियों के समूह में पहुंची, तो गोपियां सब विरह व्याकुल थी, आंखों से अश्रु पात हो रहा था, भगवान की लीला चल रही थी। और उस सत पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के तट पर सौ मौन स्थित देख रहे थे, निहार रहे थे। हटाकर के पीतांबरी चुनरी हटाकर गोपियों के मध्य में से ही श्री कृष्ण प्रकट हो। इसका अर्थ ये है श्री कृष्ण हमसे दूर है, हमारे मध्य भाग हमारे हृदय में है, बस उसे प्रकट करने की कला आनी चाहिए, पुकार उठनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। गोपियों को विरह का आनंद भी दे दिया, मेरे बिना रहेंगी तो मेरी कथा इनको सहारा देती है। किसी तरह तुम सब गोपियां यहाँ जितनी बैठी हो, ये किसी पुण्य के कारण पुनः कलयुग में अवतार लेने का, जन्म लेने का अवसर मिला। जो भी कथा सुन रहा है और इतनी भागदौड़ वाली दिल्ली में तुम लोग मंदिर के प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हो, ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। लोग कितने डॉलर कमा लेते हैं, कितनी मूवी देख लेते हैं, कितने रील्स स्लाइड खिसका लेते हैं, कितना कुछ कर लेते हैं ना, कितने पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो तो ये आपका भगवान की कहती कृपा है। गोपियों से विदा लेकर गए और कहा कि मेरे बिना रहने का अभ्यास करो, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कर्तव्य पालन के लिए जाना पड़ेगा। मार्ग में जा रहे थे, देवर्षि नारद जी मिल गए, कहने लगे प्रभु ये रास विलास प्रेम तो बहुत हुआ, भूभाग कब हरण करोगे? तो गोविंद मुस्कुराए, देवर्षि जाकर के इंगित तो करो। देवर्षि गए कंस के पास, तुमने इतने राक्षस भेजे सब कहाँ गए, इतने राक्षस आए कहाँ चले गए, आप बताओ इतने राक्षस कंस ने भेजे सब राक्षस कहाँ गायब हो गए। तब कंस ने कहा बात तो सही है, अघासुर बकासुर भेदकासुर अरिष्टासुर केसी सब कहाँ गए। भूकृष्ण और बलराम नंद बाबा